वेलकम टू माय चैनल सुरंजीत सर लाइव क्लास। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 9 सेकंड टर्मिनल एग्जाम साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, इसी से आपको 100% पूछेगा। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए। क्वेश्चन है ऊर्जा संरक्षण के नियमों को लिखे। इसका उत्तर, ऊर्जा की ना तो उत्पन्नति की जा सकती है और ना ही इसका विनाश किया जा सकता है, ठीक, बल्कि ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है, अर्थात रूपांतरण के पहले एक, रूपांतरण के पश्चात कुल ऊर्जा सदैव अचर रहती है। दोस्तों इसका अगर पीडीएफ चाहिए आपको तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, आप लोग ज्वाइनिंग कर लीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, ध्वनि क्या है, ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है। तो इसका उत्तर है, ध्वनि ऊर्जा का एक प्रकार है जो सामान्यतः कानों में सुनने की अनुभूति उत्पन्न करता है। ध्वनि विभिन्न प्रकार से उत्पन्न की जा सकती है। यह है पहला, प्रहार द्वारा। उदाहरण के लिए अभी हम एक स्टेनलेस स्टील यह चम्मच से एक धातु की प्लेट पर प्रहार करें और फिर धीरे से प्लेट को छुए तो हम उसमें हो रहा कंपन महसूस कर सकते हैं और ध्वनि सुन सकते हैं, ठीक। चलिए दूसरा है दोस्तों, खींचने द्वारा। जब हम गिटार, सितार या किसी अन्य तंत्री विद्युत के तार खींचते हैं तो उन तारों में कंपन उत्पन्न होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कोई वस्तु ध्वनि तभी उत्पन्न करती है जब उसमें कंपन होती है, ठीक। चलिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है कि सोनार की कार्य विधि तथा इसका कोई एक उपयोग लिखित। इसका उत्तर है, सोनार एक ऐसी युक्ति है जिससे जल में स्थिर पिंडों की दूरी, दिशा तथा चाल मापने के लिए किया जाता है। सोनार प्रेषित्र तथा एक संसूचक होता है। प्रेषित पराध्वनि उत्पन्न और प्रेषित करता है। ये तरंगे जल में चलती है तथा जल थल से टकराकर संसूचक द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। संसूचक पराध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में बदल देता है, जिसकी उचित व्याख्या करके अनेक चीज़ों की जानकारी हासिल की जाती है। सोनार का उपयोग समुद्र की गहराई ज्ञात करने में किया जाता है, ठीक। चलिए दोस्तों चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है, द्रव्यमान एवं भार में कोई दो अंतर लिखिए। उत्तर है, वस्तु द्रव्यमान एवं भार में निम्नलिखित अंतर है। पहला है द्रव्यमान। पहला में किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ के परिणाम द्रव्यमान कहते हैं, ठीक। दूसरा है, वस्तु का द्रव्यमान हर एक जगह नियत रहता है, ठीक। तीसरा है, यह एक अदिश राशि है, ठीक। दोस्तों अब देख लीजिए भार। पहला, पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने और खींचती है उसे भार कहते हैं, ठीक। दूसरा है दोस्तों कि वस्तु का भार स्थान के अनुसार बदलता रहता है। तीसरा, यह एक सदिश राशि है, ठीक। चलिए दोस्तों पाँच नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। पाँच नंबर का, संघनन मक क्या है, गैस का संघनन कैसे किया जाता है। इसका उत्तर है, गैसीय रूप का द्रव्यमान रूप से परिवर्तन गैस का संघनन कहलाता है। गैस पर दाब बढ़कर उसका ताप कम कर संघनित किया जाता है, इस कारण गैस द्रव रूप में परिवर्तित होते हैं। इसके लिए क्रांतिक टोप की जानकारी आवश्यकता है, ठीक। चलिए दोस्तों छः नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। छः नंबर का है, तत्व और यौगिक का कोई दो अंतर बताएं। उत्तर है, तत्व एवं यौगिक में दो अंतर निम्नलिखित हैं। ठोस, पहला है कि दो या अधिक पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता है। दूसरा है द्रव, ठीक ना, कि यह एक ही प्रकार के परमाणु से युक्त होता है, ठीक। उसके बाद देखिए दोस्तों, रासायनिक विधि द्वारा दो या अधिक विभिन्न गुण वाले पदार्थों में विभक्त किया जा सकता है, ठीक। उसके बाद देखिए दोस्तों, दूसरा, यौगिक विभिन्न प्रकार के परमाणु का बना होता है, ठीक। चलिए अब सात नंबर का, ये सब जितना बताएं उसको उसी में लिखना है, छः नंबर के क्वेश्चन में। सात नंबर का है, परमाणु की क्या विशेषताएं हैं। तो इसका उत्तर है, परमाणु की विशेषताएं इस प्रकार है। पहला है, किसी विशेष पदार्थ के सभी अणु
सदिश होते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए दूसरा है विभिन्न पदार्थों के अणु विभिन्न विभिन्न होते हैं। ठीक, तीसरा है किसी पदार्थ के अणुओं के गुण उस पदार्थ के गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों 8 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर का अष्टक नियम क्या है? इसका उत्तर है अष्टक नियम के अनुसार परमाणु की बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आवश्यकता है, इससे कम ही अवस्था में परमाणु इलेक्ट्रॉनिक ग्रहण करके यदि बाह्यतः कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा। ठीक, चलिए दोस्तों 9 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर का संयोजकता को परिभाषित कीजिए, यह परमाणु संरचना से कैसे संबंधित है? तो इसका उत्तर है किसी तत्व की संयोजकता वह संख्या है जो बल लाती है कि उसका एक परमाणु हाइड्रोजन के कितने परमाणु या परमाणुओं के समतुल्य अन्य तत्वों के परमाणुओं से संयोग करता है। किसी तत्व की संयोजकता को नीचे दिए गए संबंधित बनाती है। ठीक, धातु के संयोजकता संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या और धातु की संयोजकता 8 संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक, चलिए दोस्तों 10 नंबर का लास्ट सवाल है। दोस्तों 10 नंबर का पशुओं से होने वाले 2 लाभों को लिखिए। तो इसका उत्तर है गाय और भैंस दोनों डेयरी पशु हैं, इनके नर बोझा ढोने तथा कृषि में काम आती है, कृषक पशुपालन दूध खेती के काम तथा दूसरी लाभदायक वस्तुओं प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा कॉल कर लीजिए।